गाइस, अगर आपको इंडिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले और अमेरिका में $2,000 की, और अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सी नौकरी आप चूज करेंगे, तो शायद आपका जवाब होगा $2,000, क्योंकि $2,000 आज के इंडियन रुपीस के मुकाबले 1,62,000 रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब आप दो देशों के बीच सैलरी कंपेयर करते हैं, तो आपको PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको किसी भी दो सेम चीज की प्राइस को कंपेयर करके बता देता है। जैसे कि अगर आपको इंडिया में मिल रही 1 लाख रुपए की सैलरी को अमेरिका की $2,000 की सैलरी से कंपेयर करना हो, तो आप PPP कैलकुलेटर पर इन दोनों देशों में मिलने वाली सैलरी का अमाउंट डाल दीजिए, और अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में 1 लाख रुपए वाली सैलरी अमेरिका के $4,321 की सैलरी के बराबर है, यानी कि अमेरिका की $2,000 की नौकरी से दुगनी। यानी कि आप अगर $2,000 की नौकरी चूज करते हैं, तो आपको भयंकर नुकसान होता, पैसे भी नहीं बचते। मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इसके मैजिकल नंबर्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक नंबर है पाई। पाई को मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं? आप एक काम करिए, अपने आसपास कोई एक सर्कल उठाइए, छोटा या बड़ा, उसके सर्कमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, और वो नंबर है पाई। पाई एक इन्फिनिट डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके इन्फिनिट नंबर होते हैं। अब इन्फिनिट नंबर तो मैं आपको याद नहीं करवा सकता, लेकिन डेसिमल के बाद 7 नंबर तक याद करने का इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आपको इसमें हर एक वर्ड के लेटर्स काउंट करने हैं। मे में कितने लेटर होते हैं? 3। आई में 1, हैव में 4, ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफी में 6। तो अब ये नंबर हो गया 3.141.5926। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।